समय समय पर हमारी धरती पर ऐसे घटनाएं होती रही है जो समस्त लोगों को झंझोर कर रख देती है। इनमें से कुछ प्राकृतिक है तो कुछ अप्राकृतिक, मतलब स्वयं मानव के कारण घटित होती है। परंतु कुछ घटनाएं ऐसे भी होती हैं जिनके बारे में कभी पता तक नहीं चल पाता है कि उनके पीछे क्या रहस्य था। समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ऐसी ही एक घटना 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में घटित हुई थी। घटना वाले दिन एक विशाल अग्निपिंड आकाश को चीरता हुआ धरती की तरफ बढ़ने लगा। फिर वह विशाल अग्निपिंड एक जोरदार धमाके के साथ धरती से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समूचे साइबेरिया का इलाका कांप उठा। कंपन की तीव्रता से सारा इलाका थरथरा गया। धमाका कितना जोरदार था, इस भयावहता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के बाद धूल और अग्नि का एक विशाल बादल आकाश में बन गया। हरे पेड़ जो धमाके के स्थान से 30 किलोमीटर दूर के घेरे में थे, धूल धुरसित होकर नष्ट हो गई। जोरदार धमाके के असर से 60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी उसकी आवाज और कंपन से बेहोश होकर गिर पड़े। धमाके की वजह से खड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए, और तो और 60 किलोमीटर दूर स्थित जानवर भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। बाद में जब धमाके स्थल पर जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उनकी उम्मीदों के अनुसार वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा मिलने का विश्वास था। उनकी इस उम्मीद का कारण था उनका विश्वास कि हो न हो वहां जरूर कोई विशाल उल्पा पिंड यानी टूटता तारा धरती से टकराया होगा। ऐसा होने की दशा में यह निश्चय था कि धमाके स्थल पर एक विशाल गड्ढा हो, परंतु घटना स्थल पर पहुंचे वैज्ञानिक उस समय शॉक्ड रह गए जब उन्होंने वहां ऐसा कुछ नहीं पाया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि घटना स्थल के बीचों बीच कई स्थानों पर जंगल सुरक्षित था और वहां अब भी पेड़ खड़े थे। धमाके से नष्ट हुए शेष इलाके के अपेक्षा वहां कम नुकसान हुआ था। कितना अनोखी बात थी ये कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर दूर तक का सारा जंगल नष्ट हो गया हो, वहीं ठीक उसी स्थान पे जहां धमाका हुआ हो वहां सबसे कम नुकसान हुआ हो। एक बात तो साफ थी कि धमाके का कारण चाहे जो रहा हो, परंतु वह उल्पात पिंड टूटता तारा की वजह से कतई नहीं था। घटना स्थल का अध्ययन करने पर पता चला कि धमाका धरती से टक्कर खाकर नहीं हुआ था, अपितु वह पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर हवा में हुआ था। कुछ लोग के अनुसार धमाके का कारण UFO अनऑर्गेनाइज्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी अंतरिक्ष से अन्य ग्रहों से आने वाला यान था, एक ऐसी उड़ान तस्तरी जो शायद आणविक शक्ति से संचालित थे और किसी कारण से उसमें विस्फोट हो गया हो। कई लोग जो UFO से संबंधित अध्ययन में लगे हुए हैं इस तथ्य को ही वास्तविकता मानते हैं। उनके इस तथ्य को कई वैज्ञानिकों ने भी बिना किसी हिल हुज्जत के मान लिया। हालांकि आज कई वैज्ञानिक इस बात को मानने से इनकार करते हैं, परंतु वे भी धमाके के कारण का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था यह आज भी एक रहस्य ही है। पर जो बात सबसे अच्छी रही वह यह थी कि वो धमाका सुदूर जंगल में हुआ था, ना कि किसी शहर के बीचों बीच।